हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज की इस वीडियो में आपको एक हेयर स्ट्रेटनर का रिव्यू दूंगी, जिसे मैंने यूज़ किया हुआ है काफ़ी टाइम से, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ में शेयर करते हैं। जो कि मेरे पास में जो हेयर स्ट्रेटनर है वो ये हेयर स्ट्रेटनर है, केमई का हेयर स्ट्रेटनर है, जो कि ये केमई का प्रोफेशनल हेयर स्ट्रेटनर है। इसे मैं काफ़ी दिन से यूज़ कर रही हूँ। ये आई थिंक 1 to 12 मंथ से मैंने यूज़ किया हुआ है। अच्छा स्ट्रेट करता है अपने हेयर को। ये जो हेयर है ना, KM 428 इसका कोड नंबर है, देख सकते हैं आप। इसका फुल क्लोजअप मैं अभी वीडियो में आपको साइड में शो कर दूंगी। गाइस, ये केमई का प्रोफेशनल हेयर स्ट्रेटनर है, जो कि इस तरह की पैकेजिंग में आता है। ये कार्डबोर्ड की पैकेजिंग में आता है। इसकी कार्डबोर्ड की पैकेजिंग भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है। इसमें आप देख सकते हैं फास्ट रेडी, 220 सेंटीग्रेड पे हीट, नैनो सिल्वर प्लेट लगी होती है एंड टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है। सेरेमिक होता है इसमें प्लेट जो होता है। इसका जो मॉडल नंबर है मेरे पास में KM 428 है, देख सकते हैं आप। एंड ये कुछ डिटेल्स है, इसे भी आप देख सकते हो। मॉडल एंड वोल्टेज एंड फ्रिक्वेंसी पावर ये सब दिया गया है इसमें। ये जो हेयर स्ट्रेटनर है, इसे मैं ओपन करके आपको दिखाती हूँ। वन सेकेंड, ये इस तरह की पैकेजिंग में मुझे आया था। इसमें इस तरह के कवर में ये होता है। इसमें मुझे एक गारंटी कार्ड भी रिसीव हुआ था। देन ये रहा हेयर स्ट्रेटनर। ब्यूटीफुल इसका डिज़ाइन है। इसके अंदर आप ये शो हो रहा होगा आपको। इसमें आप टेम्परेचर को अपने हेयर के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं कि आपके हेयर को कितना टेम्परेचर चाहिए और कितना नहीं, लाइट स्ट्रेटनिंग करनी है कि हार्ड स्ट्रेटनिंग करनी है, ये सारी चीज़ें इसमें मिल जाएंगी। चलिए इसे मैं आपको यूज़ करके दिखाती हूँ कि ये कैसे हेयर पे वर्क करता है। इसे मैंने ऑन कर लिया है, देख सकते हैं आप। इसमें लाइट थोड़ी सी विजिबल हो रही होगी आपको। फिर देन मैं ये बटन पुश करती हूँ तो टेम्परेचर अपने आप सेट हो जाएगा। इसका पहला टेम्परेचर है 220, 200, 180 एंड 160 एंड ये रेड कलर पावर ऑन होने की दिखा रहा है कि प्रॉपर हीट हो चुका है। इसे मैं अभी साइड पे रखती हूँ। देन आपको इस तरीके का पतला सा फॉर्म ले लेना है, फिर अपने बाल के पार्टीशन कर लेते हैं। आप देख सकते हैं तरीके से आपको इसे पकड़ना है। आप देख सकते हैं ये बहुत ही आराम से मेरे हेयर को स्ट्रेट कर रहा है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितनी स्ट्रेटनिंग चाहिए, कितनी स्ट्रेटनिंग नहीं चाहिए। कुछ इस तरीके का मेरे हेयर पे वर्क कर रहा है। बाकी के भी पार्टीशन हम कर लेते हैं।
इसके लिए हमें अपने हेयर के इस तरीके से सेक्शन कर लेने हैं। बाकी की स्ट्रेटनिंग भी कंप्लीट कर लेती हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा स्ट्रेटनिंग पसंद नहीं है, इसलिए मैं बहुत लाइट लाइट सी ही स्ट्रेटनिंग करती हूँ अपनी हेयर में, जिससे हमारे हेयर को भी स्ट्रेटनिंग हार्म ना करे। जैसे कि आप जानते हैं कि हीटिंग हमारे हेयर के लिए बहुत हार्म होती है। चलिए मैं अभी आपको दोनों साइड के हेयर स्ट्रेट करके दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं मेरे इस साइड के हेयर देन इस साइड के हेयर में काफ़ी डिफरेंस है, देख सकते हैं आप। मैंने ज़्यादा ज़्यादा स्ट्रेटनिंग नहीं करी है, बहुत कम कम ही स्ट्रेटनिंग करी है क्योंकि मेरे को ज़्यादा स्ट्रेटनिंग पसंद नहीं है। इस तरीके से आप अपने हेयर को स्ट्रेट कर सकते हैं एंड मैं रिकमेंड करूँगी कि आप लो बजट पे इसे आप फ्लिपकार्ट से परचेज़ कर सकते हैं क्योंकि ये ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल जाएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।